वेलकम टू माई चैनल। आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ क्यूट से बेबी गर्ल्स समर स्लीपर, जैसे कि मैंने टू कलर यूज़ किए हैं, आप देख रहे हैं, और ये बीड्स लगाए हैं ब्राउन कलर में। आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं, कोई भी मैचिंग अपने बच्चों के कपड़ों के साथ जो आपने बच्चे ने पहने हैं उसके साथ मैच करके बीड्स भी मैचिंग आप यूज़ कर सकते हैं। तो चले आए बनाना स्टार्ट करती हूँ। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये जो मैंने रेडी किया है ये लेफ्ट साइड के पाँव के लिए है, और अब जो हम बना रहे हैं वो राइट साइड के पाँव के लिए है। मैं आपको तरीका बताऊंगी जिस तरीके से हम लेफ्ट और राइट में चेंजिंग कर सकते हैं। इसमें जो चीज़ें यूज होनी है, इसमें सबसे पहले मयूरिंग टेप है, उसके बाद हमने टू प्ले यार्न यूज की है, सोल के लिए हमने ब्राउन कलर यूज किया है, और हील और ऊपर टॉप बनाने के लिए हमने ब्लैक कलर यूज किया है, और उसके बाद हमें टू स्टिच मार्कर यूज करने हैं, सीजर एंड 3 मिलीमीटर क्रोशेट हुक। सबसे पहले हमें स्लिप नॉट लगाने हैं। और 11 चेन्स बनाने, 0 to 3 मंथ के बेबी के लिए हमारे पास 11 चेन की जरूरत है। अगर आपने उसका साइज बढ़ाना है, यानी कि 6 to 8 मंथ बेबी के लिए अगर आपने बनाना है, तो वो आपने चेन 13 लेनी होगी, ठीक है। इसी तरह आप अगर मजीद एज बढ़ाकर बनाना चाहते हैं तो आप 2 चेन्स बढ़ाकर इस स्लीपर को बना सकते हैं। अभी हम चेन 11 बना रहे हैं क्योंकि हम 0 to 3 मंथ की एज के बेबी के लिए बना रहे हैं, और हमने अभी चेन 1 बना ली है और 11 चेन बना ली है। 5, 2, 3, 4 हमारी 11 चेन रेडी है। इसके बाद हमने जो है वो सिंगल क्रोशी करना है सेकंड चेन। ये आपको सेकंड चेन नजर आ रही है, इसमें हमने सिंगल क्रोशी करना है। और आगे इसको मिला के नेक्स्ट 8 चेन में सिंगल क्रोशी करना है। अब हमारे पास एक चेन बच गई है। अब इस एक चेन में हमने 3 सिंगल क्रोशे एट अ टाइम करना है, एक ही चेन में 3 सिंगल क्रोशे हो जाए। 1, 2 and 3। ये हमारा राउंड 1 का एक साइड कंप्लीट हुई है, और आप देख रहे हैं ये 3 सिंगल क्रोशे डालने की वजह से ये राउंड शेप में आ रहा है, ठीक है। ये जो राउंड शेप आ रही है ये 3 सिंगल क्रोशे डालने की वजह से, ठीक है। और ये राउंड 1 की एक साइड हमारी कंप्लीट है। अब हम ऑपोजिट साइड पर जाएंगे, तो ऑपोजिट साइड पर हमने सेम एज इट इज 8 सिंगल क्रोशे करने हैं। ये फर्स्ट स्टिच आपको नजर आ रही है, ये जो स्टिच है इसमें हमने 3 सिंगल क्रोशे किया था, इसमें से हमने स्टार्ट करना है। और ये जो हमने स्लिप नॉट का जो शॉर्ट साइड थी उसको हम बीच में ले आएंगे ताकि वो बीच में ही छुप जाए।
अब हमारे पास ये लास्ट चेन रह गई है। इस लास्ट चेन में हमें टू सिंगल क्रोशे करना है, ठीक है? ये जो लास्ट वाली चेन है इसमें टू सिंगल क्रोशे हमने करना है। ये हमारे जो हमने लास्ट में टू सिंगल क्रोशे किया है, टू सिंगल क्रोशे के बाद हमारी स्टिचेस एंड हो गए हैं। अब हमने इसको फर्स्ट वाली स्टिच के साथ हमने ज्वाइन करना है, और ज्वाइन का तरीका ये होता है कि हमने स्लिप स्टिच करना हो, ठीक है? स्लिप स्टिच करने के लिए ये हमारे पास जो फर्स्ट चेन है इसमें से आपने इसको गुजार कर यार्न ओवर करना है और इसको बाहर निकाल के, अब इसको अगेन से हमें यार्न ओवर नहीं करना बल्कि इसको एज इट इज इसके अंदर से पास करके छोड़ देना है, ठीक है? ये हमारा राउंड वन जो है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है? ये सोल का दरमियान वाला हिस्सा है और राउंड वन हमारा कंप्लीट है। राउंड टू स्टार्ट करते हैं। अब हमें राउंड टू स्टार्ट करना है, और राउंड टू के लिए सबसे पहले हमने चेन वन डालनी है और इसी चेन में हमने टू सिंगल क्रोशे करना है, ठीक है? जिस चेन से हमने स्लिप स्टिच किया था उसी चेन में हमने टू सिंगल क्रोशे करना है। वन टू, ठीक है? ये टू सिंगल क्रोशे हो गए। उसके बाद नेक्स्ट एट चेन में हमने सिंगल क्रोशे करना है। ये एट सिंगल क्रोशे आपने कर लिए। एट सिंगल क्रोशे करने के बाद आपने टू सिंगल क्रोशे नेक्स्ट थ्री स्टिचेस में करना है, ठीक है? ये वन टू एंड थ्री, थ्री स्टिचेस में आपने टू टू सिंगल क्रोशे करने हैं। एक स्टिच में टू सिंगल क्रोशे हो गए, अब सेकंड स्टिच में टू सिंगल क्रोशे करने हैं एंड फिर थर्ड स्टिच में हमने टू सिंगल क्रोशे करने। ठीक है, ये हमारी एक साइड कंप्लीट हो गई है, सेकंड राउंड की ये वाली साइड कंप्लीट हो गई है। अब हमने ऑपोजिट साइड की तरफ चले जाए, और ऑपोजिट साइड में हमने सेम एज ही एट सिंगल क्रोशे करने हैं। वन हमने एट सिंगल क्रोशे कर लिए। एट सिंगल क्रोशे करने के बाद हमने टू सिंगल क्रोशे करने हैं लास्ट टू स्टिच में, वन एंड टू, टू स्टिचेस हमारे रह गए हैं। इन लास्ट टू स्टिचेस में हमने टू टू सिंगल क्रोशे करने हैं। टू एंड देन अगेन वन एंड टू, ठीक है? और हमने अब हमारी जो स्टिचेज हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। अब हमें स्लिप स्टिच करना है। ये फर्स्ट जो चेन आपको नजर आ रही है, इस फर्स्ट चेन में हमने स्लिप स्टिच करना है। हमारे ये राउंड टू कंप्लीट हो गया है। अब हम राउंड थ्री स्टार्ट करते हैं। अब हमारा राउंड थ्री स्टार्ट है। राउंड थ्री स्टार्ट के लिए हमने चेन वन किया। चेन वन डालने के बाद सेम स्टिच में हमने वन सिंगल क्रोशे करना है। वन सिंगल क्रोशे हमने सेम स्टिच में कर लिया। उसके बाद टू सिंगल क्रोशे हमने नेक्स्ट चेन में कर, वन एंड टू।
अब उसके बाद वन सिंगल क्रोशिया नेक्स्ट थ्री चेन में करना, वन टू एंड थ्री, वन सिंगल क्रोशिया, वन टू एंड थ्री, ठीक है। उसके बाद हमने हाफ डबल क्रोशिया नेक्स्ट टू स्टिच में, वन टू हाफ डबल क्रोशिया, यार्न ओवर, मेक थ्री लूप्स, यार्न ओवर, मेक थ्री लूप्स, ओके। अब नेक्स्ट टू स्टिच में हमने, सॉरी नेक्स्ट थ्री स्टिच में हमने डबल क्रोशिया कर, मेक थ्री लूप, वन टू, मेक थ्री लूप, वन टू, ठीक है। थ्री टाइम हमने डबल क्रोशे कर लिए। डबल क्रोशे करने के बाद हमने टू डबल क्रोशे, टू टाइम डबल क्रोशे करना है नेक्स्ट सिक्स स्टिच में, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, यहाँ तक हमारे सिक्स स्टिच आ जाएंगे। सिक्स स्टिच में हमने टू टू टाइम डबल क्रोशे करना, इसके बाद हमने वन डबल क्रोशे करना है नेक्स्ट थ्री स्टेज में, वन टू थ्री, थ्री स्टेज में हमने डबल वन वन टाइम डबल क्रोशे करना है, वन टू एंड थ्री। अब इसके बाद हाफ डबल क्रोशे करना है हमने नेक्स्ट टू स्टेज में, वन एंड टू हाफ डबल क्रोशिया। इसके बाद वन सिंगल क्रोशिया करना है नेक्स्ट थ्री स्टिच में, वन टू एंड थ्री, नेक्स्ट थ्री स्टिच में हमने सिंगल क्रोशिया करना, अब यहाँ पर वन टू थ्री फोर, फोर टाइम हमारे स्टिचेस रह गए हैं। इन फोर स्टिचेस में हमने टू सिंगल क्रोशे, वन सिंगल क्रोशे, टू सिंगल क्रोशे, वन सिंगल क्रोशे करके आगे इसको एंड करना है, ठीक है। टू सिंगल क्रोशे से हमने स्टार्ट करना है, उसके बाद वन सिंगल क्रोशे, उसके बाद अगेन टू सिंगल क्रोशे, एंड वन सिंगल क्रोशे, ठीक है। ये हमारा राउंड थ्री भी कंप्लीट हो गया है। हमें स्लिप स्टिच कर इसको इसके साथ ज्वाइन कर देना है। स्लिप स्टिच का मैं आपको बताया, जो फर्स्ट चेन हमने की थी, यहाँ पर जो फर्स्ट चेन है उसके अंदर से निकाल कर हमने इसके साथ ज्वाइन कर देना है, और ये हमारा राउंड थ्री भी कंप्लीट हो गया। अब देख सकते हैं हमारे थोड़ी बहुत ही जो है वो सोल की शेप आ रही है। अब राउंड फोर स्टार्ट करना है। राउंड फोर स्टार्ट करने के लिए चेन वन, और फिर उसी चेन में जिसमें हमने स्लिप स्टिच किया था उसी चेन में हमने वन सिंगल क्रोशे करना है, वन सिंगल क्रोशे, एंड फिर जो नेक्स्ट चेन है इसमें अगेन वन सिंगल क्रोशे, और अभी नेक्स्ट चेन है इसमें टू सिंगल क्रोशे, टू सिंगल क्रोशे,
उसके बाद वन सिंगल क्रोशे करना है, नेक्स्ट फोर चेन में वन टू थ्री फोर, फोर चेन में वन सिंगल क्रोशे करना है। फोर सिंगल क्रोशे हमने नेक्स्ट फोर चेन में कर लिया। अब नेक्स्ट जो है टू चेन जो है वन टू, इन टू चेन में आपने हाफ डबल क्रोशे करना है, वन टू, टू चेन में हमने हाफ डबल क्रोशे कर लिया। उसके बाद वन डबल क्रोशे करना है नेक्स्ट फोर स्टिच में, वन टू थ्री एंड फोर, फोर चेन में हमने डबल क्रोशे करना है। ठीक है, फोर चेन में हमने डबल क्रोशेट कर लिया। अब उसके बाद जो नेक्स्ट चेन है, नेक्स्ट जो एट चेन है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, ठीक है, यहाँ एट चेन तक हमने जो है वो वन डी सी टू डी सी, वन डी सी टू डी सी इस तरह कर, ठीक है। सबसे पहले हमें टू डी सी से स्टार्ट करना है, यानी कि टू डबल क्रोशेट से, वन एंड टू, ठीक है। एक चेन में हमारे पास टू डबल क्रोशे हो गया, अब नेक्स्ट चेन में हमें वन डबल क्रोशे करना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट चेन में टू डबल क्रोशे, अब हमेरा हमारा जो है ये एट चेन्स कंप्लीट हो गए हैं। अब एट चेन्स के बाद हमने जो है हमारा काम जो है वो नेक्स्ट जो ऑपोजिट साइड है इसमें हमारा काम स्टार्ट हो जाएगा, और इसमें हमने करना है नेक्स्ट जो फोर चेन्स हैं, वन टू थ्री फोर, फोर चेन में हमने डबल क्रोशेट करना है। फोर टाइम हमारे पास डबल क्रोशेट हो गया। उसके बाद हमने करना है हाफ डबल क्रोशे नेक्स्ट टू चेन, ओके, वन एंड टू, टू चेन में हमने हाफ डबल क्रोशेट करना है। ये हाफ डबल क्रोशे नेक्स्ट टू चेन हो गए। उसके बाद हमने क्या करना है कि वन सिंगल क्रोशे करना है नेक्स्ट फोर चेन में, वन टू थ्री फोर, इसमें सिंगल क्रोशे करना है। हमारे पास सिंगल क्रोशे हो गया। इसके बाद हमने कितनी चेंज आ जाती है, वन टू थ्री फोर, फोर चेंज आ जाती है। इन फोर चेन में आपने क्या करना है, वन टाइम टू सिंगल क्रोशेट एंड टू टाइम सिंगल क्रोशेट, उसके बाद जो वन रह जाएगा उसमें टू सिंगल क्रोशेट, ठीक है, वन टाइम टू टाइम सिंगल क्रोशेट इन वन चेन, नेक्स्ट चेन में वन टाइम सिंगल क्रोशेट, नेक्स्ट चेन में अगेन वन टाइम सिंगल क्रोशेट, एंड लास्ट चेन में टू टाइम सिंगल क्रोशे। और इसके बाद आपने ये जो फर्स्ट चेन थी हमारी उसमें हमने स्लिप स्टिच करने के बाद हमने चेन स्टिच वन चेन दी,
चेन वन करके हमने इसको कट कर देना है। ये हमारा सोल रेडी हो गया, ठीक है। आप देख सकते हैं ये हमारे सोल रेडी है। अब जो आपने एक सोल रेडी किया है, इसके साथ का एक और सोल रेडी करना है, ठीक है। टू सोल रेडी करने हैं सैंडल के। एक पीस के लिए टू सोल्स होते हैं, ठीक है। और टू सोल करने के बाद आपने उन दोनों को आपस में ज्वाइन करना, ठीक है। साइड देख लें आप, ये वाली जो है ये आपकी बैक साइड है, ये वाली आपकी फ्रंट साइड, ठीक है। ये बैक एंड दिस वन इज फ्रंट। दोनों बैक्स जो हैं वो आपने आपस में ज्वाइन करनी है। और ये जो एक्स्ट्रा थ्रेड है जो आपको नजर आ रहा है, इसको आपने अंदर कर देना है, ठीक है। एक्स्ट्रा थ्रेड जब अंदर हो जाएगा और जब भी हम यहाँ पर दोनों को ज्वाइन करेंगे तो ये थ्रेड भी छुप जाएगा, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि हमने ये टू सोल्स जो हैं आपस में ये किस तरीके से हमने यहाँ पर ज्वाइन किए हैं। सेकंड कलर से उसी तरीके से हमने इसको भी ज्वाइन करना है। अब आपने ये स्लिप नॉट लगानी है और ऊपर वाला सोल है इसके जो बैक साइड पर आपने, ठीक है, जो इसकी हील साइड है, ठीक है, हील साइड से आपने स्टार्ट करना है। और इसके वन स्टिच से पास करना है हुक को और दूसरे सोल में से भी निकालना है। और यहाँ से जो ये स्लिप नॉट लगाई थी इसको हुक के ऊपर रख के टाइट करके इन दोनों के बीच में से ऐसे निकालना है, ठीक है। और फिर उसके बाद आपने चेन वन करनी है। चेन वन करने के बाद आपने जो है यहाँ से इसको स्लिप स्टिच करने करते आना है, ठीक है। अभी ये जो वन आपने वन स्टिच में किया था ना, अब सेकंड स्टिच में आपने इसको पास करना है, फर्स्ट सोल में से, फिर सेकंड सोल में से इसको निकाला और फिर इसमें से पास करके यहाँ से स्लिप स्टिच कर दिया, ठीक है। अगेन यही करना है, आपने नेक्स्ट स्टिच में से इसको निकाला, फिर दूसरे सोल में से इसको निकाला और फिर यहाँ से स्लिप स्टिच कर दी, ठीक है। नेक्स्ट चेन अनदर सोल, स्लिप स्टिच, ठीक है। स्लिप स्टिच करते हुए आपने सारा वहां से यहां एंड तक आ जाना। अब ये डबल सोल हमारे पास रेडी हो गया है। ये मैं इनको ज्वाइन कर दिए हैं ब्लैक रियान से, देख सकते हैं आप दोनों साइड से ये ज्वाइन हो गया। अब टू सोल ज्वाइन करने का जो है वो मेन मकसद क्या है, वो ये मकसद है कि एक तो ये दोनों जो ज्वाइन करने के बाद ये सॉलिड सा आपके पास सोल रेडी हो जाता है, ठीक है, बिल्कुल एक परफेक्ट सोल रेडी हो जाता है। और दूसरा ये कि राइट और लेफ्ट का जो है वो हमें पता चल जाता है, ठीक है। अब ये जैसे कि हमने जो पहले सोल रेडी किया था ये हमारे पास लेफ्ट साइड वाला था, ठीक है, ये लेफ्ट सोल है, ठीक है। अब हमने राइट किया है, देखिए लेफ्ट करना हो तो ये साइड कर लेते हैं, अगर राइट करना हो तो ये साइड आप लेते हैं, ठीक है। अब हमारे पास लेफ्ट सोल ऑलरेडी रेडी था, अब हमने राइट सोल जो है वो
प्यार किया है। अब इसके ऊपर से हमने जो है पहले हमने हील स्टार्ट करनी है, जो ये हील हमने बनाई थी ये स्टार्ट करनी है, उसके बाद हमने नेक्स्ट आपने यहाँ से जो अब हमने हील स्टार्ट करनी है, ठीक है, हील की जो साइड है वो स्टार्ट करनी है। और ये हील की स्टार्ट ये जो यहाँ से जो आपको स्लोप नज़र आ रहा है ना, ये यहाँ से हील स्टार्ट होती है, ठीक है। अब इस इधर से लेकर इधर तक यहाँ आपका हील साइड स्टार्ट होगी। काउंट करनी है आपने 20 स्टिचेस, यहाँ से लेकर 20 स्टिचेस काउंट करने हैं। और स्टिच मार्कर आपने यहाँ लगा देना है, जैसे कि यहाँ से ये कर्व स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर एक आपने स्टिच मार्कर लगाया, ठीक है। और नेक्स्ट आपने 20 काउंट करके यहाँ पर स्टिच मार्कर लगा दें, ठीक है। अब आपने ये देखें हील की साइड जो है इनको स्टिच मार्कर सेट कर दिए हैं। अब हमने जो है इन मार्कर्स के साइड्स पे हमने काम करना है और अपनी हील स्टार्ट करनी है। हील स्टार्ट करने के लिए आपने पहले स्लिप नॉट लगानी है, और जो हमने फर्स्ट मार्कर लगाया था उसके बीच में से हमने इसको इसको उतार दें। और यहाँ से आपने उसके बाद हमने क्या करना है, चेन वन डालनी है। चेन वन डालने के बाद हमने जो वो सिंगल क्रोशेट करना है सेम स्टिच में, ठीक है, जिस जिस स्टिच में हमने चेन वन की थी उसी चेन में हमने सिंगल क्रोशेट करना है। उसके बाद नेक्स्ट 19 चेन्स में यहाँ जो नेक्स्ट आपको मार्कर नजर आ रहा है इस चेन तक आपने सिंगल क्रोशेट वन सिंगल क्रोशेट करते हैं। और ये जो थ्रेड आपका आ रहा है ना शॉर्ट साइड है उसको आपने बीच में लेकर आना है वर्क के। आप देख सकते हैं हम इस लास्ट स्टिच पे आ गए हैं, ठीक है। अब हमने ये मार्कर रिमूव कर देना है और यहाँ पर हमने लास्ट सिंगल क्रोशेट करना है। वन मोर ठीक है। ये करने के बाद हमने जो है वो यहाँ से अपना वर्क जो है वो टर्न करना है, ठीक है। यहाँ से हमने अपना काम टर्न कर लिया, पहले यहाँ पर कर रहे थे अब यहाँ पर हमने टर्न किया और फिर आपने चेन वन, ठीक है। चेन वन डालने के बाद आपने ये लास्ट चेन आपने स्किप कर देनी है और नेक्स्ट जो चेन है इसमें आपने सिंगल क्रोशे करना स्टार्ट करना है। अभी हम लास्ट स्टिच पे आ गए हैं, ठीक है, लास्ट स्टिच आप देख रहे हैं। अब हमने ये लास्ट में करना है वन सिंगल क्रोशेट और फिर अगेन से अपना वर्क टर्न करना है, ठीक है। वर्क टर्न करने के बाद चेन वन करके तो ये जो वन आपकी फर्स्ट चेन है इसको स्किप कर देना है और सेकंड चेन पे आपने अपना काम स्टार्ट करते करते यहाँ पर आना है। और अब ये हमारे पास जो है ये टू रोज होगी, ठीक है, वन एंड टू, ये टू रोज होंगे। अब आपने थ्री टाइम जो है ना वो सिंगल क्रोशेट रेडी करना है, ठीक है। टू टाइम आपके सामने दिखा दिया था, वन टाइम और करके ये थ्री टाइम जब आपने सिंगल क्रोशेट एंड किया उसके बाद हमने एट चेन्स लगा लेनी है, ठीक है। एट चेन्स लगा लेनी है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट। ये एट चेन्स लगाने के बाद हमने यहाँ पर इधर का जो मिड आ रहा है, ठीक है, आप देख सकते हैं ये वाला जो मिड है पूरे सोल का जो यहाँ पर मिड आ रहा है वहाँ पर आपने इसको डबल क्रोशेट करना है, ठीक है। डबल क्रोशेट आपने यहाँ पे कर लिए।
उसके बाद आपने अगेन से 8 स्टिच 8 चेन्स डालने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 चेन्स डालने के बाद आपने यहाँ पर जो फर्स्ट सिंगल क्रोशे था, ठीक है, उसमें ऐड कर लेना। में आपने 1 सिंगल क्रोशेट करना, ठीक है, और इसी तरह करते करते ये सारा सिंगल क्रोशेट करके यहाँ तक लेकर आ। हम एंड तक आ गए हैं, तो पूरा हमें सिंगल क्रोशेट करके यहाँ पर आ गए हैं। अब ये जो आपको स्ट्रिप्स नज़र आ रही हैं 1 एंड 2, अब इन स्ट्रिप्स के अंदर से हर चेन के अंदर से हमने 1 1 सिंगल क्रोशेट करना है। ये मैंने 1 सिंगल क्रोशेट लेके भी पूरी स्ट्रैप में 1 सिंगल क्रोशेट कर लिया है, ठीक है। अब अगेन से आपने यहाँ से राउंड लेकर आना है सिंगल क्रोशेट, और अगेन से इसके अंदर से पास करते हुए यहाँ तक पहुँच जाना है, ठीक है। मैंने पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया, अब इस स्ट्रैप में से मैं सिंगल क्रोशेट कर रही हूँ। अभी आप देख रहे हैं ये 2 टाइम मैंने सिंगल क्रोशे कर लिया है स्ट्रैप में से गुजार के, और ये ऑल राउंड मैंने 2 टाइम सिंगल क्रोशे कर लिया है। यहाँ पर ऑलरेडी 3 थी, ठीक है, 3 लाइंस थी सिंगल क्रोशे की, 2 और होगी, ये 5 होगी, और यहाँ पर 2 स्ट्रैप्स के साथ सिंगल क्रोशे कर लिया, ठीक है। ये लुक आपके पास आ गई। अब यहाँ पर पहुँचने के बाद आपने ये राउंड भी एंड तक यहाँ पर कंप्लीट करना है, और यहाँ पर आकर जो है वो आपने ये राउंड कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर आए, और उसके बाद मैं आपको बता दूँ क्या करना है। अब ये राउंड कंप्लीट करने के बाद मैं यहाँ तक आ गई हूँ आपके सामने, ठीक है। अब यहाँ पर आपने 8 चेन्स डालने हैं, ठीक है, बैक स्ट्रैप के लिए, जैसे कि ये आप देख रहे हैं वो जो इसके बैक स्ट्रैप है, इसके लिए आपने 8 चेन्स डालने हैं। ये 8 चेन्स डालने के बाद यहाँ पर जो फ्रंट है आपका, यहाँ पर जो ये फ्रंट आ रहा है, ठीक है, ये जो फ्रंट आ रहा है, इस फ्रंट पे आपने सिंगल क्रोशेट कर रहे हैं ऐसे, ठीक है। ये आपका ये बैक स्ट्रैप जो है वो रेडी हो जाएगा। अब आपने स्ट्रैप के साथ क्या करना है, अगेन जैसे कि हमने फ्रंट स्ट्रैप के साथ किया है ना, यहाँ से राउंड कंप्लीट करके हमने 1 सिंगल क्रोशे करके यहाँ पर लेके आए हैं, फिर यहाँ से अगेन यहाँ राउंड कंप्लीट करके फिर सिंगल क्रोशे करके यहाँ पर लेके आए हैं, 2 टाइम हमने स्ट्रैप के साथ सिंगल क्रोशेट किया है। इसी तरह अगेन इसी के साथ भी हमने करना है। अब यहाँ पर इसको अटैच किया, 1 सिंगल क्रोशे करते करते हमने इसके अंदर से पास करके यहाँ पर दोबारा आना है, फिर दोबारा से 1 सिंगल क्रोशे करके इसके अंदर से पास करके यहाँ पर अगेन, ठीक है। ये बैक स्ट्रिप के साथ मैं सिंगल क्रोशे करते हुए आ गई हूँ यहाँ पर, यहाँ एंड पे आ गई हूँ, ठीक है। जैसे आप देख रहे हैं 1 टाइम सिंगल क्रोशे करते हुए यहाँ आई हूँ। अब अगेन से यहाँ पर राउंड कंप्लीट करके फिर उसके बाद अगेन इसके अंदर से सिंगल क्रोशे करके आपने यहाँ पर आना, ठीक है।
ये देख सकते हैं आपके अभी कंप्लीट हो गया है और आपके एंड तक आ गए हैं। टू टाइम आपने जैसे कि यहाँ पर किया था इसी तरह टू टाइम आपने यहाँ पर किया है और इसी तरह राउंड कंप्लीट करके हमने यहाँ तक आया, पूरा राउंड आपने कंप्लीट कर लिए है। अब ये राउंड कंप्लीट करने के बाद जब आपने ये दो स्ट्रिप्स लगा दी हैं, दो स्ट्रिप्स जब एंड हो गई हैं यहाँ पर आ गए, तो फिर आपने यहाँ पर ये इसको यार्न को कट कर देना है। कट करने के बाद यहाँ पर आपने रन चेन करके इसको यहाँ से निकाल देना है, ठीक है, ये आपका फाइनलाइज हो जाएगा। अब आप जैसे ये देख रहे हैं यहाँ पर ये बीट सेट किए हैं ऐसे, ये यहाँ पर टू स्ट्रैप के साथ, फ्रंट स्ट्रैप के साथ और बैक स्ट्रैप के साथ, इसी तरह आपने यहाँ पर भी इसके साथ आपने 1 एंड 2 3, ठीक है, इन 3 स्ट्रैप के साथ आपने बीट्स को ऐड करना है नीडल के साथ। और इसी तरह कोई ब्लैक थ्रेड ले लें और नीडल पास करके यहाँ से आप इसको ऐड कर लें, ऐड करके फिर आपको दिखाते हैं। अब ये सैंडल रेडी हो गई है, देखिए कितनी खूबसूरत बीट्स के साथ लग रही है, ठीक है, आप इसमें कोई भी कलर्स ऐड कर सकते हैं। और ये न्यू बॉर्न बेबी का स्वीट सा स्लीपर रेडी है, आप देख सकते हैं। आपके बेबी के पाँव में बहुत खूबसूरत लगेगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और मज़ीद वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।